गाइस वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल टेक्नोविजीत। दोस्तों आप सभी लोगों को स्वागत है इस नए वीडियो पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो आपके पास एक Xiaomi Redmi मोबाइल है तो आपके जो DSLR लाइक फोटोज क्लिक कर पाओगे तो कैसे, इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। और हाँ दोस्तों, आपने इस चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए। और अभी जो मेरे हाथ पे है जो ये Redmi Note 8 मोबाइल, और यहाँ पर देख सकते हो कि पीछे है 48 MP का कैमरा AI और एक क्वाड कैमरा है। तो आप लोग इस जो Xiaomi एनी जो कोई भी आप लोगों के पास Xiaomi Redmi मोबाइल है इससे आप लोग एक DSLR लाइक फोटोज क्लिक कर पाओगे। तो कैसे, देखिए जो आप लोगों का जो सबसे पहले जो मेन जो आप लोगों को MIUI 11 इसको अपडेट कर लेना है तो आप लोगों को जो सारे कुछ जो कैमरे के इनबिल्ट जो आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोगों के सामने सबसे पहले मैं दिखाऊंगा जो कि कैमरा को ओपन करके जो फोटोज को दिखाऊंगा नंबर वन। तो फोटोज को ओपन करने के बाद आप लोग जिस भी ऑब्जेक्ट को मेनली हाईलाइटेड करना चाहते हैं उसके ऊपर टैप करके क्लिक करोगे तो एक्सपोजर लॉक हो जाएगा और उसके जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छे से ब्लर हो जाएगा। तो आप कैमरे को जो मोबाइल को लेकर इधर उधर घुमाओगे, ऊपर नीचे लेफ्ट साइड करोगे तो तब भी वो जो फ्लावर आपने लॉक करके रख दिया वही जो मेनली जो फोकस होकर रहेगा। तो इसके बाद आप लोगों को हाथ को स्टेबल करके रखना है और फोटोज़ को क्लिक करना है और उसके बाद देखिए जो कि फोटोज़ कितना अच्छा है। तो आप लोग भी इसी टाइप पर जो फोटोज़ क्लिक करिए जो एक्सपोजर लॉक करके जिस भी टाइप का जो ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हैं उसके बाद। तो उसके बाद नंबर टू मैं दिखाऊंगा जो कि वीडियोज़ के लिए। आप लोग वीडियो करने के टाइम आप लोगों को जो मेन जो करना है, जैसे कि मेरा जो ये जो Redmi Note 8 मोबाइल है तो इससे जो सबसे जो अच्छे क्वालिटी है सबसे बढ़िया जो कि 4K 30 FPS यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो कि आप लोगों को फ़ोन में जितना सपोर्टेड है उतना ही आप लोगों को हाई सेटअप करके रखना है तो आप लोगों को फोटोज़ बहुत बढ़िया आएगा। तो इसके बाद मैं वीडियो करने के टाइम आप लोग जिस भी चीज़ का फोकस करते रहोगे तो उसके ऊपर टैप करके रखोगे, जैसा कि फोटोज़ में दिखाया तो इस जो फ्लावर को मैं फोकस कर लेता हूँ तो ये जो फोकस होकर रहेगा और बैकग्राउंड है वो ब्लर होकर रह जाएगा। तो इसी तरह आप लोग फ़ोन को घुमाओगे और भी नीचे ऊपर करोगे और लेफ्ट राइट करोगे तब भी आप लोगों को जिस चीज़ को फोकस करके लग कर दिया वही आप लोगों के सामने जो फोकस होकर रहेगा और बैकग्राउंड साइड जो ब्लर होकर रहेगा वीडियोस करने के टाइम। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने का एक सैम्पल के लिए वीडियोस क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर और आप लोगों को फिर इसको दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर देखिए जो कि वीडियोज़ को ओपन करता हूँ, ये देखिए जो कि सिर्फ जो फ्लावर है वही जो फोकस होकर रहेगा और बैकग्राउंड साइड वो जो ब्लर हो गया। और नंबर थ्री जो आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि आप लोगों को प्रो मोड, तो आप लोग इस प्रो मोड को ओपन करना है और आप लोग जिस भी चीज़ का जो कि फोकस करना चाहते हैं यहाँ से आप लोग ऑटो फोकस कर सकते हैं फोटोज़ को जो कि फोकस कर सकते हैं यहाँ से जो कि 100 है जिस भी दूर से है आप लोग उस दूरी जितना है उस दूर से आप लोग जितना फोकस हो गए तो उस फोकस को आप लोग सिलेक्ट करके यहाँ से ऑब्जेक्ट को जो हाईली जो बढ़िया तरीके से फोकस कर पाओगे। और उसके बाद यहाँ पर जो IOC है आप लोग जब अंधेरे में जब फोटोज क्लिक करोगे तो IOC पे हाई कर देना है, आप लोग IOC जो लास्ट में है 3200 इसको सिलेक्ट करना है। और आप लोग को लाइट ज़्यादा है तो आप लोग को कम कर सकते हैं, जैसे कि 400 है 100 है, जितना आप लोग लाइट कैपेसिटी है उतने हिसाब से आप लोग इसको IOC को सेटअप करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो कि ऑटो फोकस कर दे तो ऑटोमेटिकली ये फोकस हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग को हाथ को इसी तरह स्टेबल करके रखना है और उसके बाद आप लोगों को फोटोज़ को क्लिक करना है। और उसके बाद इस फोटोज़ को दिखा दूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं जो कि फ़ोटोज़ कितना अच्छे आया। तो आप लोग इसी तरह जो कि प्रो मोड को सिलेक्ट करके बढ़िया तरीके से आप लोग फोटोज़ को क्लिक कर पाओगे। और इसके अलावा नंबर फोर जो टिप्स है आपके, जो आप लोग अंधेरे में जब फोटोज़ क्लिक करने चाहते हो तो नाइट मोड को सिलेक्ट करके आप लोग जब रात हो जाएगा अंधेरे मोड पर तो आप नाइट मोड को सिलेक्ट करके फ़ोटोज़ को मोबाइल को स्टेबल करके रखने हैं उसके बाद फ़ोटोज़ को क्लिक करने हैं तो आप लोग को जो फोटोज़ है बहुत अच्छा आएगा नॉर्मली जो मोड से नाइट में, तो नाइट मोड से रात पे जो बेटर तरीके से फ़ोटो क्लिक करवाओगे। और नंबर फाइव आप लोग जो मेन जो फोटो है तो और HDR मोड को इनेबल करके रखने हैं आप लोग को, HDR मोड को इनेबल करके रखना है तो आप लोगों को जो फोटोस है और भी बहुत ज़्यादा आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखा तो फोटोज़ को क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए जो कि फोटोज़ बहुत अच्छा आया। और नंबर सिक्स जो है आप लोगों को जो प्रो मोड पे आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर जो 48 है आप लोगों का कैमरा जो 48 MP है तो 48 MP को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप लोगों को प्रो मोड को यहाँ पर
सेलेक्ट करिए, जो कि फोकस को यहाँ पर करिए, जितना फोकस आप लोग को दूरी हिसाब से आप लोग जितना दूर है आप लोग को मोबाइल का कैमरे से जिस भी ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हो तो उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर जो कि फोकस को सिलेक्ट करिए, और ISO को आप लोग सिलेक्ट कर लेना है। आप लोग को जो बाहर में आप लोग फोटोज़ क्लिक करना चाहते हो तो लाइट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर जो ISO है कम करके रखना है, और जब अंधेरे पर जब क्लिक करना चाहते हो तो ISO को हाई कर लेना है, 3200 इसका कर लेना है। और उसके बाद जो आप लोगों को लेंस है वाइड है, यहाँ पर जो कि ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स है जो रेडमी नोट इन मोबाइल का वाइड है, मैक्रो है, जैसा कि अभी जो ऑन करके रखा है मैक्रो, तो ये जो कांच में ले जाओगे तो आप लोग देख सकते हैं जो फोटोज़ कितना क्लियरिटी आ रहा है। और उसके बाद वाइड लेंस कर देता हूँ तो चूँकि साइड जो कैपेसिटी है वो यहाँ से बहुत गुना बढ़ जाएगा, जो कि नॉर्मल जो कैमरा का जो वाइड एंगल सेटअप करते हैं वहाँ से वाइड एंगल से और भी बहुत बढ़िया फोटोज़ की क्लिक कर पाओगे एक साथ में आप लोग। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और कोई भी जानकारी जानना चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।